सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। वार्ड नंबर 14 की प्रत्याशी नीतू सिंह जी से हम बात करते हैं। इनका भी 5 सालों का अनुभव रहा है, ये अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास की तस्वीर बनाई है और अब क्या बाकी रह गया है, और इसके साथ ही अब वार्ड नगर पालिका से नगर निगम बन चुका और इसी तरह से वार्ड का एरिया भी बढ़ चुका है, तो क्या करना बाकी है हम इनसे सीधी बात करते हैं। आप बताइए क्या करना बाकी रह गया था और अब क्या विजन है? पहले तो मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे वार्डवासी जनता को नमस्ते करती हूँ। मैं नीतू सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद, आज फिर से जनता हमको मौका दी है, प्रत्याशी के रूप में मैं फिर खड़ी हुई हूँ। और मेरा वार्ड नंबर 16 में तो मैं जितना भी वादा की थी अपने जनता से, सभी वादा को मैं पूरी कर चुकी हूँ। 75% पानी मैं जनता के बीच में ले आई हूँ, 25% मेरा बचा हुआ है, वो मैं जीतने के बाद वार्ड नंबर 16, 17 जो आज 1 हो गया है, वार्ड नंबर 14 हो गया है। पहले तो पानी का दिक्कत वार्ड नंबर 17 में जो था उसमें बहुत दिक्कत है पानी का, क्या कि वहाँ हम जब गए जनसंपर्क सब लोग से किए। और अभी जो चुनाव हो रहा है ये अप्रैल का महीना है, जैसे ही आप अगर जीत कर वोट में जाती हैं तो तुरंत गर्मी प्रचंड होगा, उस दौरान पानी की समस्या ही होगी, उस दौरान इतनी जल्दी कैसे उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए? बात चल रही है पानी के लिए। अगर मैं जीत के वहाँ जाती हूँ तो सबसे पहले मुद्दा है पानी का, जो कि वार्ड नंबर 16-17 वेक हो गया है, वार्ड 14 नंबर वार्ड में उधर जो मेरा नया एरिया जुट गया है वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। वहाँ के बीच के जनता से मैं मिली, उन लोगों को बहुत गुस्सा है, आक्रोश है उन लोगों के बीच में कि हमारे वार्ड पार्षद जो 10 साल से रहे हैं कुछ काम ही नहीं किए हैं, जिसे साफ सफाई पानी का बहुत दिक्कत है, इसलिए हमको उन लोग का गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। और मैं अपनी जनता से अपील कर रही हूँ, मिल रही हूँ कि मैं अगर जीत के आती हूँ तो सबसे पहले आपका जो जो समस्या है सभी समस्या का समाधान करूँगी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस तरह मैं अपने वार्ड 16 नंबर वार्ड को मॉडल वार्ड के रूप दे चुकी हूँ, उसी तरह मैं उस वार्ड को भी इस तरह का समर्थन मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सब लोग बोल रहा है कि आप आ रही हैं तब हम लोग का विकास होगा, हम लोग बहुत खुश हैं, उन लोग का बहुत आशीर्वाद स्नेह प्यार हमको मिल रहा है, और बहुत मेरे जनता लोग उधर के जो भी नया एरिया जुटा हुआ है बहुत खुश हैं, उत्साह है उन लोग में कि जैसा वार्ड पार्षद हम खोज रहे थे वैसा वार्ड पार्षद हम लोग के बीच में आ रहे हैं। जनता उत्साहित है, आपने सुना नीतू सिंह जिन्होंने बताया अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास के बारे में, और कुछ कहना चाह रही हैं हम इनसे बात करते हैं, क्या अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता को? अंतिम संदेश मैं जनता से ही देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, आप लोग चूड़िया छाप मेरा है चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप क्रमांक संख्या 2 पर अपना मतदान दें, वोट दें, और मुझे भारी बहुमत से आप लोग जिताएं, आप लोग के बीच में मैं आकर सारा जितना भी आपका समस्या है सभी समस्या का मैं समाधान कर दूँगी। जी, तय आपको करना है, आपके सामने कई प्रत्याशी हैं, कई ऑप्शन हैं, लेकिन आपको इनमें से तय करना है कि कौन प्रत्याशी आपके लिए बेहतर हो सकता है। वार्ड पार्षद रहे हैं तो इनके पास भी अनुभव है, तो आपके अनुभव का भी कुछ लाभ मिलेगा, और क्या आपका विजन है इसके बारे में? जी, बात बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद आबादगंज, वार्ड नंबर 16 पुराना। अब मेरी वार्ड नंबर 14 हो गए, इसमें पुराने वार्ड 17-20 में ऐड हुए हैं, और मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं दोनों वार्ड के लिए काम करूं। और जैसे वार्ड नंबर जो 16 मेरा पुराना वार्ड था प्रफुल्ल जी, वो मैंने अपना सब वादा पूरा किया, सभी काम को कर दिया, मेन था पानी मोहल्ले के लिए, मोहल्ले को पानी मैं दिया, आज मेरी मोहल्ला पानी से बहुत खुशी है। और रही गरीबों का मैंने स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, फ्री में इलाज होती है, सभी का इलाज होती है, जिनको दो डॉक्टर बैठते हैं। प्राथमिक विद्यालय कुटपुट कॉलेज प्राथमिक विद्यालय आज 30 साल से पेंडिंग था, मैंने उसको लाकर अपने अपने वार्ड में
साबित किया और बहुत खुशी है कि हम बच्चे लोग पढ़ रहे हैं फ्री में। अभी वार्ड जब वार्ड नंबर 16 से 14 हुआ तो अब इसका एरिया भी बड़ा था। जी जी जी। अब क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है यहाँ के लोगों जी? जैसे वार्ड नंबर 17 जो था प्रफुल्ल जी, वहाँ 10 साल से त्रैमाम हुआ है पानी के बिना। वहाँ जाएंगे देखेंगे कि पानी के बिना अच्छे अच्छे घर के लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, पानी नहीं है। मैं सबसे पहले वहाँ पर सेकंड फेज आ रहा है मेरा, मैंने अपना जमीन दिया हूँ सिंचाई को जमीन लेकर, वहाँ टंकी साबित करेंगे। और सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 17 जो पुरानी वार्ड है, आज 14 हो गया जो मेरे में ज्वाइंट हुआ है, मैं सबसे पहले समझे को पानी। उसके बाद नाली आप जाकर देख लें, नाली इतना जाम है क्या बताएं। उस महल्ले में केवल कोई काम ही नहीं हो समझ रही, जो भी वहाँ पर था वार्ड पार्षद वो काम ही नहीं किया। सब लोग वहाँ तय माम है, सब लोग कह रहे कि भैया अच्छा हो कि भैया काम है, अब हम लोग पर विश्वास है। और जहाँ भी जा रहे हैं जन सलाह उठ जा रही है, सब लोग मेरे साथ घूम रहे हैं जी। आपने सुना इनके विजन को तय आपको करना है कि किसके पक्ष में मतदान करना है, 16 अप्रैल को वोट देने जरूर जा सकते हैं।